कोडर्स यार आज की स्टूडियो के अंदर हम जावा बनाएंगे पाइथन की मदद से। अब ये जो जावा है ना, ये वही वाला जावा क्या कहते हैं जो आयरन मैन में यूज हो रहा है। अब ये वैसा ही काम करेगा, ये हमारे से कमांड लेगा और हमारे साथ बात भी कर पाएगा, ये हमारा जावा, और जो भी हम कमांड देंगे वो उस हिसाब से काम भी करेगा। और यार ये जो हमारा जावा है, ये कुछ भी सर्च कर सकता है गूगल के ऊपर, ये कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकता है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकता है हमारे पीसी के अंदर, ये और भी चीजें कर सकता है। आप जितना जाओ उतना इसको आगे तक लेके जा सकते हो। और मैंने काफी अच्छे से आपको इसी क्या कहते हैं वीडियो के अंदर जावा काफी अच्छे से समझाया, मतलब काफी अच्छे से आपको बना के दिखाया है, और काफी आपको और भी चीजें बताई है अगर आप इसे ज्यादा आगे इस प्रोजेक्ट को लेकर जाना चाहते हो। तो यार मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बातों के अंदर, बस यार इस वीडियो को एंड तक देखना, और आपको पाइथन अगर बेसिक आती है तब भी आप ये जावा बना पाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यार वीडियो का एंड तक देखना। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गॉडस यार जावा बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, और मतलब यार ये भी देखना जरूरी है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि यार बंदे की एक्साइटमेंट बनी रहती है। और मैं आपको कहता हूँ यार ये पूरा जावा सॉन्ग में बस इतनी लाइंस ऑफ कोड से ही बना लेंगे, बहुत कम लाइन लिख रहे हैं, मतलब कितना कम कोड लिख रहे हैं आप देख सकते हो, सिर्फ 89 कोड, मतलब कोड ऑफ लाइन आप लिखोगे और आपका जावा तैयार हो जाएगा। पर ये सारा कोड लिखने से पहले हम जावा देख लेते हैं हम कैसा बना रहे हैं, डेमो तो ले ले। तो मैं क्या करता हूँ इस फाइल को रन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैंने इस फाइल को रन किया। हाय जावा, हाउ आर यू? तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है आई एम गुड सर, हाउ आर यू। और हम इससे और भी काम करा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इससे कहता हूँ ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, ओपनिंग यूट्यूब। तो आप देख सकते हो ये कहना ओपनिंग यूट्यूब, और इसने मेरे वेब ब्राउज़र के अंदर यूट्यूब को ओपन कर दिया। और मैं इसको और काम भी करा सकता हूँ, ओपन गूगल, ओपन गूगल, ओपनिंग गूगल। तो आप देख सकते हो यार ये मेरा बैकग्राउंड में भी चल रहा है। ये बैकग्राउंड में क्यों चल रहा है, क्योंकि मेरा वीएसको राइटर तो अभी रन कर रहा है, मैंने ये फाइल रन कर दी है। और मैं इसके साथ और भी चीजें कर सकता हूँ, ओपन नोटपैड, नोटपैड ओपनिंग। तो आप देख सकते हो ये कह रहा है नोटपैड ओपनिंग, और आप देख सकते हो यहाँ पे और भी मैं इसे कुछ कहता हूँ, जावा से समथिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो अदरवाइज आई विल नॉट फाइट विद अल्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो ये बंदा कह रहा है, मतलब जावा कह रहा है कि यार आप लाइक सब्सक्राइब कर दो नहीं तो मैं अल्ट्रॉन के साथ नहीं लड़ूंगा। तो यार प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और यार ये भी चीजें, ये वो भी चीजें कर रहे हैं, और भी फंक्शनलिटीज मैंने इसके अंदर डालिया। आप देख सकते हो जैसे मैं अगर गूगल के ऊपर कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं कहूंगा और यहाँ पर ये लिस्टिंग कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ सर्च गूगल व्हाट इज पाइथन, सर्चिंग व्हाट इज पाइथन ऑन गूगल सर। तो देखो ये कह रहा है सर्चिंग व्हाट इज पाइथन ऑन गूगल सर, तो आप देख सकते हो ये सर्च कर रहा है व्हाट इज पाइथन ऑन गूगल। तो यार ये और भी काम कर सकता है यार, बस आपके बोलने पे आप और भी काम इससे करा सकते हो। अगर आपको पाइथन आती है तो यार आप तो इससे बहुत आगे तक लेके जा सकते हो यार, मतलब काफी अच्छा बना सकते हो। और यार ऐसे जावा टिकटॉक से जावा बनाने के लिए, मतलब इतना तगड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, और वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, आपका ये जावा बन जाएगा यार। बस यार वीडियो को एंड तक देखना, और यार काफी बातें कर ली, डेमो भी देख ले। तो नहीं है तो यार पाइथन डॉट ऑर्ग पे सीधा चले जाना। वैसे तो यार ज्यादातर ये आई जाता है, यार रैंक हो जाता है गूगल के ऊपर, और सबसे पहला ही वैसे आपको लिंक मिल जाएगा पाइथन डॉट ऑर्ग का। तो इसके ऊपर आप क्लिक करना, यहाँ पर डाउनलोड्स वाले एक ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर होवर करना, और यहाँ पर आपको ये बॉक्स देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो भी पाइथन है ये बटन के ऊपर क्लिक करके आप पाइथन डाउनलोड कर पाओगे। और पाइथन का सेट पे यार काफी क्या कहते हैं यार, मतलब सिंपल होता है डाउनलोड करना। और मैंने वैसे यार अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पाइथन का कोर्स पूरा बनाया हुआ, जिसमें मैंने आपको पाइथन बिगनर से एडवांस लेवल तक सिखाया। उस कोर्स के बाद आप जावा बहुत आसान से बना पाओगे, तो जाके देख लेना। और उसी कोर्स के अंदर मैंने समझाया कि यार, मतलब उसी कोर्स के अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। तो यार ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और यार एक और चीज हमें डाउनलोड करनी है, वो क्या है, वो है यहाँ पर वीएस कोड। आप सिंपली अपने ब्राउज़र के ऊपर सर्च करो वीएस कोड डाउनलोड। वीएस कोड क्या है यार, ये कोड एडिटर है जो मैं इसी वीडियो के अंदर यूज करूंगा। काफी तगड़ा कोड एडिटर है, काफी मस्त कोड एडिटर है, मजा आ जाएगा यार इसके अंदर आपको कोड करने का। तो इसे डाउनलोड कर लेना अगर आप कोई और कोड एडिटर यूज कर रहे हो, कोई चक्कर नहीं है। पर अगर आप मेरे साथ
साथ चलना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर, तो विंडोज मतलब यहाँ पर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो मैं विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हो। इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर देना, इसे काफी सिंपल है इसे डाउनलोड करना। तो वैसे मैं आपको एक बार इसे डाउनलोड करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने विंडोज के बटन ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो इसका सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। काफी यार एक ही लाइट वेट कोडेक्टर है आपका, अगर लो एंड पीसी भी है ना तब भी ये बहुत आराम से चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। और ये मेरा सेटअप डाउनलोड हो गया, और इसके अंदर काफी सारे हमें एक्सटेंशंस मिल जाती है जो हमें हेल्प करती है अपना कोड लिखने के अंदर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती है यार। तो यहाँ पर मैंने इसका सेटअप रन करता हूँ, और यहाँ पर ये मेरे से परमिशन मांगेगा सबसे पहले। तो वैसे यार ये कह रहा है सेटअप हैज डिटेक्टेड दैट विजुअल स्टूडियो कोड इज करंटली रनिंग, तो ये कह रहा है क्या कहते हैं आपका विजुअल स्टूडियो कोड एक्टर पहले से चल रहा है और आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है। तो यार मैंने अपना वीएस कोड एक्टर पहले से खोला हुआ था, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब अपने क्या कहते हैं यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, और देखो यार मेरा सेटअप मतलब स्टार्ट हो गया है। अब ये सेम सेटअप मतलब ये सेम स्टेप्स आपको भी शो होंगे आपके पीसी के अंदर अगर आप पहली बार वीएस कोड एक्टर डाउनलोड कर रहे हो। तो आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, सभी आइकन टिक कर देना, नेक्स्ट के ऊपर इंस्टॉल करना। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे गेट स्टार्टेड स्क्रीन दिख रही है, और मैं आपको सीधी बात बता दूं यार अगर आप पहली बार इसे ओपन करते होगे तो आपको भी गेट स्टार्टेड स्क्रीन दिखेगी, आपको कोई वेलकम स्क्रीन दिखेगी। आपको घबराना नहीं है, सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करो और कोई भी फोल्डर ओपन कर लेना कोई भी। वैसे मैं आपको कहूंगा इस कोर्स के लिए एक अलग सा फोल्डर बना लेना, जैसे मैंने एक पहले से फोल्डर बनाया हुआ है तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने पाइथन जावा नाम का फोल्डर बनाया, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप भी कोई ऐसा फोल्डर बना लेना, बस इतना ही अभी तक आपको सेटअप करने का था अपने पीसी के अंदर। अगर आपको ये जावा बनाना है पाइथन डाउनलोड होना चाहिए, और ये ऑप्शनल है कि वीएस कोड एडिटर आपको डाउनलोड करना है या नहीं। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा कि यार डाउनलोड कर लेना अगर आप मेरी वीडियो के साथ चलना चाहते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा मैं jarvis.py नाम की, jarvis.py नाम की एक फाइल बनाऊंगा, ये पाइथन फाइल है। और मैं आपको बता दूं यार एक्सटेंशन के ऊपर आना, और यहाँ पर एक मैसेज एक्सटेंशन इंस्टॉल करो पाइथन नाम की, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्सटेंशन आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है। मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो आपको क्या कहते हैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर अनइंस्टॉल और डिसेबल का ऑप्शन मुझे शो हो रहा है, पर आपको यार अगर आपने पहली बार ही इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा, तो इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, बस इतना ही आपको करना है। और एक और आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जो है कोड रनर, ये कोड रनर एक्सटेंशन यार इंस्टॉल कर लेना। वैसे मैंने इंस्टॉल की है, मुझे यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, क्यों कोड रनर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना यार, इसकी मदद से आप अपने पाइथन की फाइल को सिर्फ एक बटन की मदद से रन कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जो भी मैं चीज अपने वीडियो के अंदर इस्तेमाल करूंगा, जो भी टूल यूज करूंगा, वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यार देखो मुझे नहीं पता आप बिगनर हो एडवांस डेवलपर हो और आपको ये चीजें पता ही नहीं, अगर ये चीजें मुझे हेल्प कर रही है तो यार आपको भी हेल्प करेगी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, ठीक है। अगर आप कोड रनर डाउनलोड कर लोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्ले वाला बटन आ जाएगा, इसकी मदद से आप अपनी पाइथन फाइल रन कर सकते हो। अब यार बहुत बातें कर ली और अपना आप जावा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यार जावा मतलब यहाँ पर मैंने एक jarvis.py नाम की फाइल बनाई है, तो यार सबसे पहला फंक्शन लिखते हैं जावा के अंदर, और जो सबसे पहला फंक्शन हम क्या लिखेंगे जावा के अंदर वो होगा कि जावा बोलना सीखे। मतलब हम चाहते हैं कि जो यार ये हमारा जावा है ना, जैसे ये बोल पाए, जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि मेरे पीसी में से आ रही थी स्पीकर्स में से जो भी ये बोला था, वो ही हम फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वो मतलब वो क्या कहते हैं फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक मॉड्यूल होना चाहिए पाइथन का, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप सिंपली टर्मिनल के ऊपर क्लिक करो, नो टर्मिनल के ऊपर क्लिक करो, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और यहां पर कमांड टॉप पिप इंस्टॉल ITTSX3। ये हम लाइब्रेरी यूज करेंगे क्या कहते हैं कि जावा हमारा बोल पाए, इसी लाइब्रेरी की मदद से हमारा जावा बोल पाएगा। तो यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ रही है क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ITTSX3 को, और उसके बाद क्या करेंगे यार, ये मॉड्यूल आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया है, और इसे इनिशियलाइज करेंगे। मतलब मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर मैं कहूंगा इंजन इज इक्वल टू ITTSX3.init, और इसके अंदर मैं दूंगा यहाँ पर सिंपली SAPI5।
बस इतना आपको लाइन अभी पेश करनी है, मतलब इतना ही लाइन अभी आपको लिखनी है। अब ये सैपी फाइव क्या है, आप यार ये ब्राउजर के अंदर सर्च कर लेना, ये क्या कहते हैं यार, आपको समझ आ जाएगा अगर आप ब्राउजर के ऊपर सर्च करोगे। पर अगर आप सिर्फ इतना चाहते हो कि यार जावा बोल पाए, तो अभी आप इतना समझ लो कि आपको यहाँ पर लिखना है इंजन इक्वल टू पायरेटी एस एक्स थ्री डॉट इनिट, और यहाँ पर सैपी फाइव में दे रहा हूँ। और ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, कोई टेंशन मत लेना यार आपका भैया, ये आपको अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे voices is equal to engine dot, ये इंजन क्या है, ये वाला वेरिएबल है, गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैं दूंगा voices। अब यार देखो आपके पीसी के अंदर कुछ वॉइसिस अवेलेबल होती है, अब ठीक है वो वॉइसिस मैं कैसे निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी वॉइसिस, और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं इस वॉइसिस को प्रिंट करूंगा तो आपको मैं दिखाता हूँ मुझे क्या मिलेगा। अभी मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पर एक लिस्ट मिल रही है जिसके अंदर मेरे पास दो वॉइसिस है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं पहली वॉइस है, जो यहाँ पर ये पहली वॉइस है उसकी जो आईडी है उसे प्रिंट करने की कोशिश करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज और यहाँ पर इसे मैं क्लियर करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर मुझे आ रहा है डेविड, अब ये क्या है, ये मर्द वाली आवाज होगी हमारे जावेस की। अगर आप चाहते हो कि आपके जावेस की कोई लड़की वाली आवाज हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वॉइस, मैं वन पे चलता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी वॉइस भी आ जाएगी जीरा नाम की। अब यार क्या पता आपके पीसी के अंदर और भी वॉइस हो या कोई वॉइस ही ना हो, तो यार आप चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सिंपली ये लिखा है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, मैं कह रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दो वॉइसिस नाम की, और क्या सेट करो उसे कर दो वॉइसिस, सिंपली लिखना वॉइसिस, और यहाँ पर मैं कहूंगा जो फर्स्ट वाली वॉइस है ना मेरी डेविड वाली वो सेट कर दो। और यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इंजन डॉट से, और यहाँ पर मैं कुछ लिख दू हेलो सर आई एम जावेस, अगर मैं ऐसा करूं और इस फाइल को रन करूं, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक चीज लिखनी पड़ेगी इंजन डॉट रन एंड वेट, ठीक है। और जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा तो Hello, sir, I am Jarvis. आपने सुना यार मेरे पीसी ने बोला क्या कहते हैं हेलो सर आई एम जावेस, मतलब ये हमारी जावेस फाइल के अंदर हमारा जावेस बोल रहा है, ये हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। अब यार मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूं इसे फिर से Hello, sir, I am Jarvis. अब देखिए यार ये काफी फास्ट बोल रहा है यार, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्लो बोले, तो उस चीज के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली कहूंगा इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैं कहूंगा इसका रेट है ना, जो रेट क्या कहते हैं कितने वर्ड्स ये पड़ेगा एक मिनट के अंदर, वो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर करता हूँ 145, जैसे यहाँ पर मैं कहूंगा 145, और अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो Hello, sir, I am Jarvis. ये कितना थोड़ा मतलब स्लो बोल रहा है, अब यार ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं ऐसे ही चाहता था। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो ये इंजन डॉट से और इंजन डॉट रन एंड वेट है ना, इसे एक फंक्शन के अंदर डालूंगा जिसका नाम रखूंगा स्पीक, और यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर इसके अंदर, और यहाँ पर स्पीक के अंदर यहाँ से मैं लूंगा क्या कहते हैं टेक्स्ट, मतलब क्या ये स्पीक करेगा वो, और यहाँ पर मैं इंजन डॉट से के अंदर वो भेज दूंगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया क्या कहते हैं कि हम कैसे हमारा जावेस बोल सकता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यार, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं विश में नाम का, जो क्या करेगा जावेस हमें विश करेगा, और इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट डेट टाइम, और ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा विश में नाम का, मैं कहूंगा डेफ विश मी, और ये फंक्शन क्या करेगा यहाँ पर सबसे पहले आवर, यहाँ पर कहूंगा आवर इक्वल्स टू डेट टाइम, डेट टाइम क्या है, ये डेट टाइम की मदद से हम डेट टाइम को मतलब डेट टाइम के साथ खेल सकते हैं यार सीधी बात करें, यहाँ पर कहूंगा डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ और डॉट आवर्स, और अब मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊंगा, अगर आपको मैं आपको दिखाता हूँ यार मुझे अभी जो भी टाइम होगा वो मिल जाएगा, मतलब जो भी आर होगा वो मिल जाएगा। अभी मैं विश्मी वाला फंक्शन रन करके दिखाऊं आपको, विश्मी वाला फंक्शन जैसे रन करता हूँ आपको दिखाता हूँ कंसोल पे, मुझे मिला यहाँ पर जीरो वाला, क्योंकि यार मेरे अभी 12 o'clock बजे हुए हैं मेरे लैपटॉप के अंदर, क्यों यार क्योंकि अभी मैं जिस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ अभी 12 o'clock हुए हैं यार, आधी रात के मतलब रात के 12 o'clock हुए, तो यहाँ पर मुझे जीरो आ रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इफ आर जो भी आर है हमारा अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए जीरो, एंड और जो भी आर है हमारा वो अगर लेस देन है 12,
मतलब क्या है यार, अभी कहते यार जीरो, मैं कह रहा हूँ और यहाँ पर मुझे तीनों का ऐसे ऐसे, अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर जो भी आर है अगर वो जीरो से बड़ा है और मतलब और ट्वेल्व से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी सुबह हो गई है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा स्पीक करो, जो स्पीक वाला फंक्शन है, क्या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। और यहाँ पर मैं आपको जी दिखाता हूँ एक और, यहाँ पर कहता हूँ एलिफ, अगर जो आर है हमारा, जो हमारा आर है वो अगर ग्रेटर देन है 12 से एंड क्या एंड लेस देन है, अगर वो लेस देन और इक्वल टू है 18 के, तो क्या करो, तो स्पीक करो, क्या कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। और यहाँ पर मैं इसे स्मॉल लेटर्स में कर देता हूँ, सही रहेगा। यहाँ पर कहता हूँ गुड गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सर। और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो मतलब यहाँ पर स्पीक कर दो सिंपली, क्या स्पीक करो, यहाँ पर करो गुड नाइट, सिंपल। और इसके बाद एक और चीज मैं चाहूंगा ये बोले, वो क्या है मैं बताता हूँ, हेलो सर, हेलो सर, आई एम योर जार्विस, जार्विस, हाउ कैन आई हेल्प यू। और इसे मैं सेव करता हूँ। अब मैं ये विश्वी वाले फंक्शन को रन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं। गुड मॉर्निंग आईआर, हेलो सर, आई एम योर जार्विस, हाउ कैन आई हेल्प यू। चलिए सही है, सही चल रहा है। पर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ पर रेट बढ़ा दूंगा, यहाँ पर मैं 155 कर दूंगा और यहाँ पर मैं आईआर के बदले सर कर दूंगा। और अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, आई एम योर जार्विस, हाउ कैन आई हेल्प यू। भाई बहुत बढ़िया यार, ये हमारा जार्विस हमें अब विश्वी कर रहा है। ये तो हमने बना लिया विश्वी वाला फंक्शन। अब यार मैं चाहता हूँ कि जार्विस मेरे, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो लहे, मतलब वो ले मेरे से और उसे टेक्स्ट के अंदर चेंज कर दे और फिर उसे प्रोसेस करके कुछ काम करे। मतलब अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा ये प्रोग्राम है, ये जो भी मैं जार्विस वाला प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये मेरे माइक्रोफोन में से मेरे से मेरी इनपुट ले और उसे प्रोसेस करे, मतलब मेरे से जो भी है ना यार ये इनपुट ले। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और मॉड्यूल यूज करूंगा जो होगा, तो यह मॉड्यूल का नाम है स्पीच रिकॉग्निशन। और इसे मैं करूंगा एस एस आर, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लो एस एस आर। और इस मॉड्यूल को आपको यार इंस्टॉल भी करना होगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली कमांड देना है पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन। और मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और ये काफी आसान है इसके साथ, तो मतलब यार एक काम करना मैं आपको अभी समझाता हूँ। और यहाँ पर ये मैं विश्वी वाले फंक्शन को हटा दूंगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा यार डेफ, और इसका क्या नाम रखू, मैं रखूंगा इसका नाम एक मतलब टास्क, मतलब क्योंकि ये हमारा कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करेगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर ये हमारे से गेटिंग गेट द यूजर इनपुट फ्रॉम द माइक्रोफोन। और यहाँ पर ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये स्पीच रिकॉग्निशन वाली ये मॉड्यूल यूज करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, और ये एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिकॉग्नाइजर क्लास का, तो यहाँ मैं कहूंगा एसआर डॉट रिकॉग्नाइजर, और आपको दिखाता हूँ। और इस क्लास की मदद से हम आगे का अपना काम करेंगे, जो भी हमने काम करना है कि हमारी ऑडियो रिकॉग्नाइज हो। और यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे विद विद एसआर डॉट माइक्रोफोन, विद एसआर डॉट माइक्रोफोन एस सोर्स। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोर्स को इनिशियलाइज कर रहा हूँ माइक्रोफोन के साथ। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे ऐसे देना है विद एसआर डॉट माइक्रोफोन एस सोर्स। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे जो भी यहाँ पर सबसे पहले लिसन करना पड़ेगा इस सोर्स के लिए। और यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रिंट करूंगा, मैं कहूंगा प्रिंट लिसनिंग, ऐसे कुछ प्रिंट कर देंगे लिसनिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर उसके बाद मैं क्या करूंगा, हमें इसे लिसन करना है, तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं यहाँ पर ऑडियो इज इक्वल्स टू आर डॉट लिसन, और ये हम सोर्स को लिसन करेंगे और हमें हमारी ऑडियो फाइल मिल जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, और यहाँ पर मैं कहूंगा प्रिंट कर भाई साहब, तो यहाँ पर इसके बाद रेकोगनाइजिंग कहूंगा रेकोगनाइजिंग। और यहाँ पर मैं एक ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक लगाऊंगा, यहाँ पर मैं ट्राई ब्लॉक में रखूंगा, क्या करो ट्राई ब्लॉक में क्या करो, यहाँ पर मैं कहूंगा क्वेरी, क्वेरी इज इक्वल्स टू क्वेरी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कहूंगा आर डॉट रेकोगनाइज गूगल, रेकोगनाइज गूगल। और ये रेकोगनाइज गूगल के अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी ये जो ऑडियो वाला ये है हमारा, हमने जो वेरिएबल बनाया ऑडियो इज इक्वल्स टू आर डॉट लिसन, इसे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करूंगा, बस इसे दूंगा और यहाँ पर एक एक्सेप्शन लगा दूंगा, मैं कहूंगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई, और यहाँ पर कहूंगा प्रिंट करो, क्या कहते हैं यहाँ पर एरर आया है, कुछ ऐसे प्रिंट करो,
और यहाँ पर सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा रिटर्न कर दो नन, और देखो यार ये रिटर्न नन मैं ऐसे स्ट्रिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर कहूंगा रिटर्न कर दो हमारी जो भी क्वेरी है वो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं टेक टास्क वाले फंक्शन को रन करता हूँ, यहाँ पर कहता हूँ टेक टास्क। जैसे मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर ये कह रहा है लिसनिंग, मैं कहूंगा हेलो जावेस, यहाँ पर आ गया है रेकोगनाइजिंग, आप देख सकते हो। और देखते हैं यार यहाँ पर, और ये रिटर्न करेगा ना, और ये मेरा ये अभी क्या कहती है, ये फाइल अभी बंद हो जाएगी अपने आप। तो मैं आपको ये हो गया यार, ये फाइल भी बंद होगी, तो यहाँ पर मुझे प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ। अब फिर से इस फाइल को रन किया, हेलो जावेस हाउ आर यू, हम कुछ ऐसे बोल देते हैं हेलो जावेस हाउ आर यू, और देखते हैं यहाँ पर ये लिसन कर रहा है, और देखो रेकोगनाइजिंग, और देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें आ गया हेलो जावेस हाउ आर यू। तो यार मतलब हम जो भी आप यहाँ पर अपने पीसी के अंदर बोल रहे हैं हमें यहाँ पर मिल रहा है, और ये कैसे मिल रहा है, ये फंक्शन की मदद से मिल रहा है, ये टेक टास्क वाला फंक्शन। ये मतलब हमें क्या कर रहा है, ये हमारे से इनपुट लेगा और उसे हमारे टेक्स्ट में चेंज कर देगा। और यहाँ पर मैं आपको चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसे स्पीक वाले फंक्शन के अंदर दे दूं, यहाँ पर अगर इसे मैं स्पीक वाले फंक्शन के अंदर दे दूं, तो यहाँ पर ये वही बोलेगा जो मैं इसे बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, इस फाइल को मैं रन करता हूँ, हेलो सर आई एम योर जावेस एंड यू सेड दिस। तो देखो यार, हेलो सर आई एम योर जावेस एंड यू सेड दिस। देखो यार मैंने यही बोला था और इसने भी आगे से यही बोला है, और आशा करता हूँ आपको अभी तक जो भी मैं काम कर रहा हूँ समझ आया होगा। और यार यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट हो रहा है जावेस वाला। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक व्हाइल लूप चला लूंगा, और उसे मैं इनफिनिट तक चलाता रहूंगा ठीक है। और जिससे क्या होगा कि उस व्हाइल लूप के अंदर मैं कमांड भी लेता रहूंगा, मतलब यूजर से टास्क भी लेता रहूंगा, और उसके अंदर मैं प्रोसेस भी करूंगा कि यार मुझे कौन सा टास्क मिला है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली कहूंगा व्हाइल टू, और यहाँ पर मैं कहूंगा जो भी हमारा टास्क है, टास्क इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कहूंगा टास्क नहीं क्वेरी इज इक्वल टू एक टास्क, ये हमारा फंक्शन रन करूंगा, और यहाँ पर कर दूंगा सिर्फ डॉट लोवर, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं कह रहा हूँ टेक टास्क डॉट लोवर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे दिखाता हूँ, मैं कहूंगा इफ यूट्यूब नहीं, मैं कहूंगा यहाँ पर ऐसे इफ क्या हम करें कुछ भी यार देखते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं इफ विकिपीडिया, मैं कहूंगा इफ विकिपीडिया इन क्वेरी जो भी क्वेरी है, तो यहाँ पर क्या करो स्पीक करो, स्पीक वाला फंक्शन यूज करो, स्पीक करो, क्या स्पीक करो कि विकिपीडिया सर्चिंग, कुछ विकिपीडिया सर्चिंग कुछ ऐसे ही करो। और यहाँ पर मैं इस फाइल को अप रन करता हूँ, और यहाँ पर मैं कहूंगा एक और एलिफ लगा देता हूँ यार, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं कहूंगा एलिफ, अगर आएगा एलिफ स्टॉप जावेस, यहाँ पर ऐसे स्टॉप जावेस इन क्वेरी, तो क्या करो ब्रेक कर दो इस फाइल को, हम ऐसे करेंगे। और यहाँ पर मैं जैसे इस फाइल को रन करूंगा आपको बताता हूँ, यहाँ पर आ रहा है लिसनिंग, यहाँ पर कहूंगा विकिपीडिया विकिपीडिया सर्चिंग स्टॉप जावेस। तो देखो यार मेरा ये जावेस रन होना भी बंद हो गया, और इससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कहूंगा स्पीक करो भाई साहब, स्पीक करो, ऐसे कुछ हिंदी में कर देते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ सर मैं अब क्लोज होने जा रहा हूं, देखते हैं ये यार ये कैसे बोलता है, चमका का बोलता हूं स्टॉप जावेस। तो यार ये पता नहीं क्यों थोड़ा टाइम सा ले रहा है, और ये हो जाएगा यार जल्दी, टेंशन की बात नहीं, और ये पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है। तो इसे मैं क्या करूंगा, इसे अभी ऐसे बंद कर दूंगा अपनी फाइल को, और यहां पर अब मैं फिर से इस फाइल को रन करता हूं स्टॉप जावेस Sir, my close home, J-A-A-R-H-A, who? भाई पता नहीं से क्या ही बोलते थे यहाँ पर, मतलब यार ये सही चल रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर यह कर दूंगा सर आई एम क्लोजिंग, वो कोई चक्कर नहीं है, पर तब भी यहाँ पर मैं कहूंगा स्टॉप जावेस सर आई एम क्लोजिंग। अब देखो यार ये मेरा जावेस बंद हो गया, तो यार अभी तक मैं आशा करता हूँ आपको लॉजिक भी समझ आएगा कि हम कैसे करेंगे ये सब। तो यार यहाँ पर सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं काम ये करना चाहूंगा कि मैं जावेस को कुछ भी सर्च कराना चाहता हूँ विकिपीडिया पे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक मॉड्यूल इम्पोर्ट करूंगा विकिपीडिया नाम का, इम्पोर्ट विकिपीडिया, और इसे इंस्टॉल भी करना होगा आपको। तो यहाँ पर आपको टर्मिनल के ऊपर जाना है, और यहाँ पर एक कमांड देना सिंपली पिप इंस्टॉल विकिपीडिया, और ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ तो मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाइड आ रहा है, पर आपका ये दोबारा इंस्टॉल होगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली कहूंगा अगर यहाँ पर आ रहा है विकिपीडिया
विकिपीडिया, तो यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले तो बोलो विकिपीडिया सर्चिंग, और उसके बाद क्या करो यहाँ पर मैं कहूंगा डाटा इज इक्वल्स टू विकिपीडिया डॉट समरी, जैसे समरी, और इसके अंदर मैं टाइटल दूंगा, तो यहाँ पर टाइटल के अंदर जो भी क्वेरी है वो मैं दूंगा यहाँ पर, और क्वेरी यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कह दूंगा क्वेरी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं कहूंगा यहाँ पर मुझे क्या देना है स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर कहूंगा स्टेटमेंट्स इस इक्वल्स टू, मैं कहूंगा दो स्टेटमेंट्स, इससे ज्यादा स्टेटमेंट नहीं चाहिए मुझे, और यहाँ पर मैं आपको चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर कहूंगा क्वेरी इस इक्वल्स टू जो भी क्वेरी है उसके अंदर रिप्लेस कर दो विकिपीडिया, विकिपीडिया किसके साथ रिप्लेस कर दो, मतलब यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक के साथ, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद क्या करो स्पीक करो, स्पीक करो जो भी डाटा आ रहा है वो, और प्रिंट भी करो डाटा जो भी हमारे पास आ रहा है वो। अब मैं जैसे इस फाइल को रन करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं विकिपीडिया पाइथन, विकिपीडिया सर्चिंग, और यहाँ पर मुझे एरर आ गया यार, ये कह रहा है कोट अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर स्टेटमेंट्स नहीं है, तो यार भाई साहब क्या देना है हमने, यहाँ पर मैं भूल करके यार यहाँ पर इसे क्या देना है, तो मैं आर्गुमेंट भूल गया, तो यहाँ पर मैं विकिपीडिया पाइथन सर्च करूंगा, और यहाँ पर विकिपीडिया पाइथन, तो यहाँ पर इसका मॉड्यूल पे जाकर चेक करते हैं। अब यार ऐसा भी होता है कभी कभी यार आप भूल जाते हो कि क्या क्या आर्गुमेंट्स देने होते हैं, तो यहाँ पर मुझे दूसरे पे चलता हूँ, यहाँ पर हाँ गीक्स फॉर गीक्स पे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च कर लो सीधा गूगल के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगा, और सेंटेंसेस देना है मुझे यहाँ पर सेंटेंसेस, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर कहूंगा सेंटेंसेस इज इक्वल टू टू। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, विकिपीडिया व्हाट इज पाइथन, विकिपीडिया सर्चिंग, तो यार ये मेरा विकिपीडिया पर सर्च करो, देखते हैं। Python is a high-level, general-purpose programming language. Its design philosophy emphasizes code readability with the use of significant indentation. तो यार मैं सर बंद करता हूँ। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पर ये भी आ गया, Python is a high-level programming मतलब high-level general-purpose programming language। मतलब यार ये हमारा काम कर रहा है कि ये विकिपीडिया पर सर्च कर रहा है। आप देख सकते हो यार हमने ये सबसे पहली फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर दी है यार। कॉन्ग्रेचुलेशन यार आपको भी मुझे भी यार। और यहाँ पर ये एलिफ स्टॉप जार्विस वाला मैं ऐसे फंक्शन रहने देता हूँ। ये एलिफ स्टॉप जार्विस वाला फंक्शन ऐसा होगा कि जैसे मुझे जार्विस को बंद करना, तो अब मैं सिंपली कहूंगा स्टॉप जार्विस और मेरा जार्विस बंद हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने कर ली विकिपीडिया वाली फंक्शनैलिटी। अब हम करते हैं कि यार हम किसी भी साइट को अपने क्या कहते हैं जावास के मदद से कैसे अपने वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस काम को करने के लिए आपको एक मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट वेब ब्राउजर, और ये इनबिल्ट मॉड्यूल ही आपको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, और अगर आपको ऐसा एरर आएगा कि वेब ब्राउजर नॉट फाउंड, तो आप सर्च कर लेना इसे, और अगर आपको इंस्टॉल करना पड़ जाए तो कर लेना, वैसे ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो यार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली सर्च करूंगा, यहाँ पर कह दूंगा एक यहाँ पर सर्च नहीं सॉरी यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट एक और लगाऊंगा, एलिफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, मैं कहूंगा अगर, तो यहाँ पर आया हमारे पास क्या कहते अगर किसी ने कहा ओपन यूट्यूब, तो क्या करो मैं कहूंगा अगर ओपन यूट्यूब है क्वेरी के अंदर, तो क्या करो, तो वेब ब्राउजर डॉट ओपन करो, यहाँ पर क्या ओपन करो, और यहाँ पर मुझे यूआरएल देना, तो यहाँ पर कहूंगा youtube.com, और बस इतना भी मैं लिखूंगा, और इस फाइल को सेव करूंगा, और शायद ये मेरा ना चले, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहूंगा स्पीक करो भाई साहब, स्पीक करो, यहाँ पर क्या स्पीक करो, ओपनिंग यूट्यूब, और यार ये ना काफी थोड़ा स्लो बोल रहा है मुझे, मैं चाहता हूँ जैसे यार मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि यार ये जितनी फास्ट हो सके जल्दी बोले, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसका 175 कर दूंगा रेट, ठीक है। रेट जितना मैं रेट इंक्रीज करता रहूंगा उतना ज्यादा तेज ये बोलता जाएगा इंग्लिश। अगर आपको स्लो करना है तो यार इसे स्लो करते रहना रेट को, मैंने ही आपको समझा दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जैसे इस फाइल को रन करूंगा, मैं बताता हूँ, और यार मैंने इस फाइल को रन किया और ये रनिंग की, और ये क्या हो गया, मैं इस फाइल को फिर से रन करता हूँ, और ये मेरी फाइल चल क्यों नहीं रही है, और यहाँ पर ब्रेक आ रहा है, ओपन यूट्यूब इंक्वायरी, ओके ये क्या हुआ भाई साहब, इसे मैं फिर से रन करता हूं, अभी मेरी फाइल चल रही है, ओपन यूट्यूब, ओपनिंग यूट्यूब,
तो आप देख सकते हो इसने कहा ओपनिंग यूट्यूब, और मेरा अब यार यूट्यूब नहीं स्टार्ट हुआ, मतलब मेरी यूट्यूब वाली वेबसाइट नहीं ओपन हुई। वो क्यों नहीं ओपन हुई वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यार मेरी क्या कहते हैं यूट्यूब वाली वेबसाइट इसीलिए नहीं ओपन हुई क्योंकि यार जो डिफॉल्ट ब्राउजर है ना ये क्या करता है, मतलब जो भी आपके पीसी का डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसके अंदर आपकी क्या कहते हैं वेबसाइट ओपन कर देगा। अब यार मेरे पीसी का डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम है, पर यार ये तब भी ना मेरे पीसी के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन कर रहा था यूट्यूब वाली वेबसाइट। तो मैंने क्या किया, मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही डिलीट कर दिया और उसके बाद ये चल ही नहीं रहा था। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि यार मुझे ना क्रोम जो भी है मतलब जिस भी ब्राउजर के अंदर मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ मुझे उसे रजिस्टर करना पड़ेगा फिर ये ओपन कर देगा। तो उस काम को करने के लिए यहाँ पर मैं आपको समझा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ तभी ये मेरे मतलब यार ये मेरी वेबसाइट क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन करेगा, क्योंकि मैं क्रोम ब्राउजर के अंदर ही ओपन करना चाहता हूँ, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन नहीं करना चाहता। पर यार अगर आप अपने क्या कहते हैं जो भी आपके कोड के अंदर ये वेब ब्राउजर ओपन और जो भी वेबसाइट का नाम दोगे ये आपके जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर ओपन कर देगा, क्या पता आपके भी पीसी के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ओपन करे। और अगर पर जैसे अगर आपको मेरे जैसे प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर आपका क्रोम है तब भी उसमें ओपन नहीं कर रहा, तो मैं जो स्टेप्स करूंगा वो आप साथ में यार फॉलो कर लेना। पर अगर आपका वेब ब्राउजर डॉट ओपन चल रहा है तो यार अच्छी बात है, नहीं चल रहा मतलब अगर आपका क्रोम के अंदर नहीं खुल रहा आप क्रोम के अंदर ही खोलना चाहते हो तो यार मुझे यहाँ पर ये फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा हाउ टू रजिस्टर, मैं कर दूंगा वेब ब्राउजर क्रोम, क्रोम वेब ब्राउजर इन वेब ब्राउजर पाइथन। तो यहाँ पर सर्च करता हूँ और यहाँ पर एक बहुत अच्छी वेबसाइट थी, यहाँ पर ये शायद मैं आपको दिखाता हूँ कोड क्रीप पर, हाँ ये। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा ये जो कोड है ना ये सारा कोड उठा लूंगा और ये मैंने कोड उठाया और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने क्रोम का पाथ पहले से लेके आया हूँ, अब क्रोम का मतलब जो भी मेरे क्रोम ब्राउजर का पाथ है वो। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा जो स्ट्रिंग के अंदर ये स्लैशेस हैं ना जो ये बैक स्लैश आप देख रहे हो इन्हें मैं डबल कर दूंगा। डबल क्यों करूंगा यार, ये ना एस्केप कैरेक्टर है, आप इसके बारे में सर्च कर लेना, नहीं तो पाइथन का कोड सर्च कर लेना। यहाँ पर आप सिंगल अगर यहाँ पर डालोगे ये बैक स्लैश तो यार ये आपके क्या कहते हैं एरर देगी आपको स्ट्रिंग, ये आप सही से नहीं मतलब ये समझेगी नहीं, मतलब ये ये सेम कोड आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर वैसे आपको ये सारा का सारा सोर्स कोड मिल जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा यहाँ पर वेब ब्राउजर और बैक में अपना क्रोम का पाथ दे दूंगा और उसके बाद टोटल ओपन जो भी यूआरएल में मैं दे दूंगा youtube.com। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर ओपन यूट्यूब Opening YouTube. तो यार ये अभी भी नहीं चला है यार, वो मैंने पिछली बार मतलब जो भी अभी हमने कोड उठा के यहाँ पर पेस्ट किया वो हमने गलत कोड उठा लिया था। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये वेब ब्राउजर डॉट रजिस्टर ये मुझे यहाँ पर उठाना है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ये उठाऊंगा ये वाली लाइन और ये मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है सिंपली, और इसके अंदर मेरे यहाँ पर जो भी क्रोम का पाथ है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और यहाँ पर वेब ब्राउजर डॉट गेट के अंदर मुझे क्या देना होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं, गेट के अंदर मुझे यहाँ पर सिंपली टाइप करना है क्रोम। तो आपको दिखाता हूँ अब यार ये चलना चाहिए, अब ये चलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर अब मैं इस फाइल को दोबारा रन करूँ ओपन YouTube, यार यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर परसेंटेज एस दे रहे थे ना वो मुझे यहाँ पर हटाना होगा, तो यहाँ पर मैंने वो हटा दिया और ये मेरा काम कर रहा है। यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो मुझसे दोबारा इस फाइल को रन करना होगा, रनिंग हो रहा है। ओपन यूट्यूब, ओपनिंग यूट्यूब, तो अब देखो इसने कहा ओपनिंग यूट्यूब। और यार आप देख सकते हो यूट्यूब ओपन हो गया हमारे वेब ब्राउजर के अंदर, और ये मैंने दो बारी कमांड दी थी इसने दो बारी ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हो हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर यूट्यूब ओपन हो गया, यार आप देख सकते हो थोड़ी लोडिंग हो रही है, मतलब यार हमारा जावा से आप काम कर सकते हैं कि वो विकिपीडिया पर कुछ भी सर्च कर सकता है और हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन कर सकता है किसी भी वेबसाइट को। इसे मुझे रन करना होगा, सॉरी मतलब मुझे बंद करना होगा क्योंकि यार ये अभी लिसन कर ही जा रहा था। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अब यार जो मैंने इतना काम किया ना ये आप तब कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले से व्यू टॉगल बटन पर लूं कि आपको सारा का सारा कोड दिखे।
तो यार ये जो मैंने काम किया ना, ये आप इस तब कर सकते हो अगर आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन करना है और आपका क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन नहीं हो रहा। अगर आपका वेब ब्राउजर डॉट ओपन लिख के सिंपली वेब ब्राउजर डॉट ओपन लिख के काम चल रहा है यार, अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वेब ब्राउजर डॉट ओपन लिख के, अगर आपका वैसे काम नहीं चल रहा तो यार ये सेम काम कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर इसने यूट्यूब तो खोल लिया, मैं चाहता हूँ कि ये गूगल भी खोल पाए अपने आप मेरे वेब ब्राउजर के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी करूंगा और डुप्लीकेट कर लूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर ओपन गूगल यूट्यूब के बदले, और यहाँ पर ये मुझे कहेगा ओपनिंग गूगल, और यहाँ पर मैं सिंपली कर दूंगा यहाँ पर google.com, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर कहूंगा ओपन गूगल तो ये google.com ओपन कर देगा। तो सर अभी तक हमारा क्या कहते हैं जो भी जावेस है वो गूगल भी ओपन कर रहा है, मतलब हर एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, जैसे ओपन यूट्यूब, ओपन गूगल, और आप और भी वेबसाइट अगर आप ओपन करना चाहते हो तो यार ये बस डुप्लीकेट करना और ये आपका करेगा काम। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और काम करते हैं, यहाँ पर अब कोई भी हम सॉफ्टवेयर जो हमारे क्या कहते हैं कंप्यूटर के अंदर है उसे हम ओपन कर सके, वो हम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इम्पोर्ट करूंगा ओएस को, इम्पोर्ट ओएस, ये भी एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या मैं कहूंगा अगर कोई यहाँ पर मेरे अगर क्वेरी के अंदर है ओपन कोड, तो क्या करूं मेरे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन करूं, मैं ऐसा चाहता हूँ। यहाँ पर कहूंगा इफ ओपन कोड इन क्वेरी, यहाँ पर क्या करो यार, यहाँ पर स्पीक करो, क्या कहते हैं स्पीक ना करो, इस पर क्या सिंपली करो, यहाँ पर सिंपली क्या करो ओएस डॉट स्टार्ट फाइल, यहाँ पर ओएस डॉट स्टार्ट फाइल, और यहाँ पर मुझे क्या देना होगा, यहाँ पर मुझे पाथ देना होगा। पर मैं आपको बताता हूँ यार, अगर यहाँ पर मैं ओएस डॉट सिस्टम लिखूं और यहाँ पर अगर मैं लिखूं सिंपली कोड, तो कोड क्या यार विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का नाम है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूं और अब इस फाइल को रन करूं, अब इस मैं फाइल को रन करूं तो मैं आपको दिखाता हूं ओपन कोड। तो यार आप देख सकते हो इसने मेरे लिए विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कर दिया, आप देख सकते हो मेरे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन हो रहा है, और ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि यार अभी मेरा पीसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर से रन कर रहा है। तो आप दिखाता हूं ये देखो ये ओपन हो गया मेरे लिए, इसने क्या किया विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कर दिया, और आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन कोड वाले कमांड भी इसने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कर दिया। अब यार अगर आपके पीसी के अंदर ओपन ओएस सिस्टम और यहाँ पर कोड लिख के नहीं आपका विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर जो भी आपके विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का पाथ है वो सर्च करो। तो यहाँ पर जैसे मैं इस विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सर्च पे चलता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। तो आपको दिखाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, और यहाँ पर इसके ओपन फाइल लोकेशन पे चलते हैं, और फाइल लोकेशन पे यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन यहाँ पर भी, और आप देख सकते हो इसकी जो भी फाइल लोकेशन है ना इसे कॉपी कर लो सिंपली, और जो भी इसका नाम है जैसे code.exe के यहाँ पर exe का नाम क्या ऊपर सिंपली code.exe ये पूरा कॉपी कर लो फाइल का। अगर आपका नहीं रन करता, अगर ये वर्क नहीं करता, यहाँ पर बताता हूँ इफ दिस, यहाँ पर कहता हूँ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं नीचे दे देता हूँ, यहाँ पर कह देता हूँ If the above code not runs, use the below. यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे VS Code का जो भी path है, VS Code का जो भी path होगा, जो भी आप software open करना चाहते हो उसका path यहाँ पर आप बताओ, और यहाँ पर slash को double slash में convert कर देना बस, ये इतना काम शुरू करना और ये भूलना मत। तो इससे क्या होगा मैं बता दो, इससे क्या होगा कि यार आपका तभी ये ओपन होगा सॉफ्टवेयर, नहीं तो यार ये ओपन भी नहीं होगा, आपको एरर आएगा। मैं सीधी बात बता दूं यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, और यहाँ पर क्या करो आप सिंपली यहाँ पर os.os.start फाइल वाला ये फंक्शन यूज करो, इसके अंदर जो भी VS Code एडिटर का पाथ है वो दे दो, और अब ये क्या करेगा, अब ये भी कोड रन करेगा और ये भी खोल देगा आपका जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हो वो। तो इसे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि यार मेरा ओएस सिस्टम यहाँ पर कोड ये ओपन कर देता है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। पर यार अगर आप जैसे सीएमडी ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, अगर आप सीएमडी ओपन करना चाहते हो मतलब, तो उसके लिए हम एक और एलिफ स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं कहूंगा एलिफ अगर यहाँ पर है ओपन सीएमडी इन क्वेरी, तो क्या करो, तो ओएस डॉट सिस्टम क्या करो यहाँ पर सिंपली आपको इतना टाइप करना है स्टार्ट सीएमडी, और यहाँ पर उसके पहले क्या करो स्पीक करो, क्योंकि जब ये स्पीक करता है ना तो पता चल जाता है कि यार ये ओपन करने वाला है। तो यहाँ पर ये कहेगा सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपनिंग। अब जैसे इस फाइल को मैं रन करूंगा,
ओपन सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपनिंग। तो देखना ये मेरा इसने मेरे लिए मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हैं यार इसने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था और मैंने इसे बंद कर दिया है। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट भी हम ओपन कर पा रहे हैं, हम विजुअल स्टूडियो राइटर भी ओपन कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं ओपन करना चाहता हूँ नोट पैड, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं बताता हूँ। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं सिंपल सेम ही स्टेटमेंट को क्या करूंगा, यहाँ पर डुप्लीकेट कर लूंगा। मैं बताता हूँ सेम इस स्टेटमेंट को मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पर ओपन सीएमडी के बदले यहाँ पर मैं कर दूंगा नोट पैड और इस फाइल में सेव करता हूँ। यहाँ पर ये कहेगा नोट पैड ओपनिंग और यहाँ पर सिंपली मैं नोट पैड का जो भी नाम है वो दे दूंगा, यहाँ पर कहूंगा नोट पैड। अब मैं इस फाइल को यहाँ पर एक बार बंद करके दोबारा रन करता हूँ, ओपन नोट पैड नोटपैड ओपनिंग। तो यार देख सकते हो इसने मेरे लिए नोटपैड भी ओपन कर दिया। अगर आपका ऐसा नहीं चलता ये मेरे लिए मिशन कर लीजिए, आप देख सकते हो तो इसे मैं बंद कर देता हूं यहां पर। तो अगर आपका ऐसा नहीं ओपन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये वाला कोड यूज कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर इसने ओपन भी कर दिया, क्या कहते हैं कमांड को। अब यार आपको कोड अच्छी चीज करके दिखाता हूँ। अगर मैं गूगल के ऊपर कुछ सर्च करना चाहता हूँ वो भी मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकता हूँ। ये मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर एक और मैं एलिफ स्टेटमेंट कहूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं कहूंगा एलिफ, यहाँ पर अगर आया गूगल सर्च और यहाँ पर सर्च गूगल ऐसे करते हैं सर्च गूगल इनक्वायरी और ये जो भी सॉफ्टवेयर मैं बना रही हूँ, जो भी हम जावास्क्रिप्ट बना रहे हैं, इसे मैं आपको काफी अच्छे से एंड में एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा बस यार देखते जाओ। और यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर एक मेरे पास लाइब्रेरी है पाइवोट किट नाम की, उसके अंदर एक फंक्शन है और ये पाइवोट किट लाइब्रेरी आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना होगा। तो आप देख सकते हो इसने अपने आप इंपोर्ट कर दिया है और इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप टर्मिनल के अंदर जाना, न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर टर्मिनल के अंदर एक कमांड देना पिप इंस्टॉल पाइवोट किट नाम की, ये क्या कहते हैं लाइब्रेरी है और ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे पाइवोट किट डॉट सर्च और यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सर्च पर लिखूंगा जो भी क्वेरी है इसी को क्या करो query.query.replace रिप्लेस कर दो, क्या रिप्लेस करो सर्च गूगल को किसके साथ कर दो, बस ये स्पेस के साथ क्या कहते हैं रिप्लेस कर दो। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सर्च करो query को, बस इतना ही करूंगा। और यहाँ पर इसके बाद ये स्पीक भी कर रहा है, ये कुछ बोले ये कहे सर्चिंग और यहाँ पर मैं एस्ट्रिंग का यूज करूंगा, आपका आपको बताता हूँ। यहाँ पर कहूंगा ये बोले सर्चिंग जो भी क्वेरी है वो सर्चिंग ऑन गूगल सर। और जैसे मैं इस फाइल को सेव करूंगा अपने रन करूंगा मैं आपको बताता हूँ, और ये रनिंग सर्च गूगल What is Python? Searching running what is item on Google, sir. तो आप देख सकते हो ये कह रहा है व्हाट इज आइटम, तो इसने गलत सुन दिया कुछ। तो यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, इसे दोबारा एक बार बोलता हूँ, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ सर्च गूगल व्हाट इज पाइथन। Searching what is Python on Google, sir. तो आप देख सकते हो इसने सर्च किया व्हाट इज पाइथन ऑन गूगल। तो यार आप देख सकते हो यार हमारा जावास्क्रिप्ट ये काम कर रहा है और ये मुझे अभी तक लिसन कर रहा है और ये भी सोचता होगा कि यार ये क्या बोल रहा है क्योंकि इसको तो समझ नहीं आता होगा, तो यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ। और आप देख सकते हो यार अभी तक हमारा जावास्क्रिप्ट कितना सारा काम कर रहा है और हमने और ये पता नहीं कौन सी लाइब्रेरी है क्या इंपोर्ट हो गया तो इसे मैं बंद मतलब कट कर दिया। तो आप देख सकते हो यार हमारा जावास्क्रिप्ट कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकता है, ओपन सीएमडी कर सकते हैं, नोटपैड ओपन कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन करना चाहते हो तो बस यार उसका पाथ ले आओ और ये क्या कहते हैं ये कोड चिपका दो बस, ठीक है। उसका पाथ यहाँ पर पेस्ट करो और बैक स्लैश को डबल स्लैश के साथ चेंज करो और यहाँ पर ओएस और स्टार्ट फाइल ये वाला यूज कर लेना अगर आप कोई थर्ड पार्टी वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है यार मैं कुछ सीधी बात बताता हूँ। और अगर आपका ओएस सिस्टम डॉट कोड भी नहीं चलता, मतलब ओएस सिस्टम के अंदर आपका सॉफ्टवेयर का नाम देके नहीं चल रहा, तब भी आप क्या कर सकते हो ये वाला कोड यूज कर लेना। अब हो क्या रहा है, जब यार ये क्या कर रहा है ये वाई टू में ये हमारे से टास्क ले रहा है और जो भी टास्क ले रहा है यहाँ पर उसके साथ चेक कर रहा है कंडीशन और यहाँ पर वो हमें यहाँ पर टेक्स्ट दे रहा है जो भी हम बोल रहे हैं उसे मतलब जो भी हम बोल रहे हैं उसे टेक्स्ट के अंदर चेंज कर रहा है। यहाँ पर हमें क्वेरी के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो मिल रहा है और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो विकीपीडिया वो अगर क्वेरी के अंदर है, मतलब यूजर ने अगर विकीपीडिया बोला है हमारी क्वेरी के अंदर, तो यहाँ पर ये वाली ट्रू हो जाएगी। और वैसे ये सभी स्टेटमेंट्स अगर ये चीजें हमारी क्वेरी के अंदर होगी तो
वो वाली स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी और उस एक स्टेटमेंट का कोड रन हो जाएगा, आप देख सकते हो। और यार अभी तक हमने काफी काम किया और काफी चीजें देखी हैं। अब यार आप अगर इसको आगे चेक आगे और भी ज्यादा लेके जाना चाहते हो तो यार आप लेके जा सकते हो। कैसे, आप क्या करो, आपको जो भी काम करना है उसके लिए कोई मॉड्यूल सर्च करो गूगल के ऊपर और वो मॉड्यूल के थोड़े फंक्शन जानो और बस इंप्लीमेंट करो इस क्या कहते हैं अपने जावास्क्रिप्ट और पीवाई फाइल के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ यार अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल ऊपर जाओ ना, तो अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाओ मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप सिंपली को youtube.com/thecodersync और शायद ये मेरा YouTube चैनल ना ओपन करे क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज किया, तो यहां पर मैंने URL नहीं चेंज किया, तो URL भी मैं चेंज कर दूंगा। यहां पर स्लैश करो कोडवी सिंह, अभी यार यहां पर कोडवी सिंह है पर आपको जो भी मेरे YouTube चैनल का नाम है वो देना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर दिया, मैंने कोडवी सिंह कर दिया, पहले कोडवी सिंह था। तो यहां पर मैं आपको बता दूं यहां पर पाइथन का कोर्स यहां पर आता होगा, यहां पर मैं आपको बता दूं। वैसे मैं आपको बता दूं यार ये मैंने एक प्लेलिस्ट भी स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं आपको पाइथन सिखा रहा हूं बिगिनर से एडवांस लेवल तक। अगर आप काफी अच्छे से सीखना चाहते हो पाइथन तो ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, मैं आपको दिखाता हूँ यार ये बस प्लेलिस्ट ओपन हो जाए और आप देख सकते हो। और आप मतलब एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो के साथ अगर देखना चाहते हो तो आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, पर अगर आप एक ही वीडियो के अंदर पाइथन सीखना चाहते हो और उतनी ही अच्छे से जितनी अच्छे से मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर सिखाऊंगा तो यार पर ये वाला मेरा क्या कहते हैं यार ये पाइथन लेटेस्ट वर्जन 3.10 ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स ये वाली वीडियो देख लेना यार, इसके अंदर मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और यार गाइस आशा करता हूं आपको अभी तक हम जो भी जावास बना रहे थे आपको समझ आया होगा कैसे बनाना है, सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो यार सब्सक्राइब करना, बेल वाले आइकन को और पे करना मत भूलना। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।